कैमरा उधर हो। चलिए भाई, और अच्छा गया होगा ना, कोई मस्त एकदम मस्ती के साथ पेपर दिए होगे। चल भाई जल्दी से फटाफट एक बार अपने दोस्तों को आप लोग शेयर कर दीजिए। हाँ, और हम लोग फटाफट अब क्या करेंगे, पेपर सॉल्व करने वाले हैं एकदम जबरदस्त तरीके से, और सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलने वाला है। बस अब तो ये है कि नाइलेट थोड़ा धोखाधड़ी कर दिया है इस बार, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे बच्चे सब तैयार थे पेपर देने के लिए। हाँ, क्योंकि हम लोगों के यहाँ कोई कमी नहीं की गई थी पूरे बैच में, ठीक है। लिब्रे ऑफिस भी दिया गया था, एमएस ऑफिस भी दिया गया था, कोई नहीं देता है यहाँ पे, पूरा हम लोग पूरा दिए थे बच्चों को। हाँ, चलो भाई जल्दी से एक बार अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, और हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं अपना पेपर सॉल्व करना तुरंत। जल्दी शेयर करो फटाफट सभी लोग। ओके, जल्दी से, चलो जल्दी 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 शेयर कर दो फटाफट एक बार अपने फ्रेंड्स को। हाँ ठीक है भाई, सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई। चलो ठीक है, आगे। ओके हाँ भाई, चलो तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, और बहुत प्यारा क्वेश्चन दिया हुआ है, बस समझने की थोड़ी देरी है, बस मजा आएगा। हाँ, पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन बिग डेटा टेक्नोलॉजी नहीं है। देखो कंफ्यूजन का घर यही है, बात समझ में आया। ये जो नहीं वर्ड है ना, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज कर देता है, लेकिन आप लोगों को कंफ्यूज होने की जरूरत है ये नहीं है, बात समझ में आई, एकदम कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे हम लोग देखेंगे, पहला है अपाचे हाडूप है, अपाचे काफ्का है, अपाचे स्पार्क और अपाचे पाइथोर्च। क्या होगा आंसर, जल्दी कमेंट करके बताओ, कौन क्या टिक करा है, कौन क्या टिक करा है, जल्दी बताओ फटाफट सभी लोग। पाइथन की क्लास कल शाम को होगी 7 बजे से मैराथन, और 9 बजे सॉल्व कराया जाएगा वेब डिजाइन का पेपर। हाँ भाई, रामधन राम जी बता रहे हैं डी, मोहम्मद जी बता रहे हैं डी। अच्छा जल्दी बताओ भाई फटाफट सभी लोग। देखो भाई, इसमें थोड़ा समझने की देरी है हम लोगों को, ये पूछ रहा है कौन सा नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही बात है भाई, बी होगा आंसर, ठीक है, एकदम सही चकाचक आंसर आप लोगों का है। जो इसका आंसर होने वाला है वो है अपाचे स्पार्क, क्लियर। अब आप लोगों का स्टेटमेंट जान करके ही अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लिब्रे ऑफिस कैल्क में फार्मूला एरर होने पर कौन सा चिन्ह दिखाई देता है, विच साइन इज विजिबल व्हेन देयर इज अ फार्मूला एरर इन द लिब्रे ऑफिस कैल्क। क्या होगा आंसर, जल्दी बताओ, दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। अरे बीसीए की क्लास स्टार्ट है भाई, कहे परेशान हो एकदम, बीसीए की क्लास स्टार्ट है 26 तारीख से। क्या होगा इसका आंसर जी, बिल्कुल सही आंसर है, बी होगा, बिल्कुल सही आंसर है आपका, जो इसका आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा बी। ओके, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, लिब्रे ऑफिस कैल्क में न्यूनतम जूम क्या है, कैल्क की बात कर रहा है ये, न्यूनतम जूम क्या होगा, जल्दी बताओ। तीसरे का आंसर क्या होने वाला है, फटाफट सभी लोग कमेंट करेंगे, और आंसर इस तरीके से दीजिए कि 3 का ए या बी या सी या डी, इस तरीके से आंसर देंगे तो मुझे समझ में आएगा, ऐसे दोगे तब, जल्दी बताओ क्या होगा भाई तीसरे का। बिल्कुल सही आंसर है, 20 होगा, यानी कि आपका हो जाएगा बी। चलो चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, चौथा क्वेश्चन क्या है,
किस आकार के डेटा को बिग डेटा कहा जाता है? भाई बड़े डेटा की बात कर रहा है तो गीगाबाइट, मेगाबाइट, मेटाबाइट या पेटाबाइट, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है, फटाफट। हाँ जल्दी बताओ फटाफट सभी लोग भाई। भाई जो बड़ा है उसे बता दो, बस कहानी वही खत्म हो जाएगी। हाँ जो बड़ा है उसे बता दो, चौथे का डी होगा, बिल्कुल सही बात है भाई, पेटा बाइट हमारा बड़ा है ना। चलो आगे नेक्स्ट है, लिब्रे ऑफिस में थीसारस का विकल्प किस मेनू में है? विच मेनू इज द ऑप्शन ऑफ थीसारस इन द लिब्रे ऑफिस? भाई देखो व्यूज में होता है, ठीक है। पांचवे का क्या होगा? पांचवे का होगा सी, यानी व्यूज, ठीक है। जल्दी जल्दी कमेंट करते जाओ फटाफट, मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, आधे घंटे में सॉल्व करा दूंगा पूरा। अगला है, लिब्रे ऑफिस में विच टू ऑप्शन इन लिब्रे ऑफिस आर यूज टू स्पेसिफाई कलर? कलर स्पेसिफाई करने के लिए कौन सा यूज करते हैं हम लोग, जल्दी बताओ। आरजीबी सीएमवाईएल, आरजीबी सीएमवाईके, आरजीबी आरएमवाईके, नन ऑफ दिस, क्या होगा जल्दी बताओ भाई। छठवां का आंसर क्या होने वाला है? जल्दी जल्दी कमेंट करो फटाफट, सभी लोग कमेंट करेंगे जल्दी से। हाँ थोड़ा जूम कर दे चल भाई। अब ठीक है, अब ठीक है। चलो छठा का आंसर बताओ जल्दी से, छठा का आंसर बता रहे हो बी। हाँ बिल्कुल सही आंसर है भाई। चलो सातवां नंबर है, लिब्रे ऑफिस राइटर में रीडू करने के लिए किस की का प्रयोग करते हैं, जल्दी बताओ। सातवां नंबर, कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस एक्स या कंट्रोल प्लस वी? कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस एक्स या कंट्रोल प्लस वी, जल्दी बताओ कौन सा ऑप्शन होने वाला है यहाँ पे, जल्दी बताओ फटाफट। हाँ बिल्कुल जी, सातवें का आंसर क्या होने वाला है? ए होगा भाई, ए, बी नहीं होगा, ए होगा, कंट्रोल प्लस वाई, ध्यान रखना इस चीज को, क्या होगा हमारा आंसर ए होगा। अगला आठवां क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन द स्टेटस बार लिब्रे ऑफिस राइटर? लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर कौन सी चीज इसमें प्रेजेंट नहीं रहती है, जल्दी बता दो हमको फटाफट सभी लोग बताओ। नेम ऑफ द कंप्यूटर, पेज नंबर, नन ऑफ दिस या कैरेक्टर, क्या होगा इसके अंदर? ये एस टू सॉल्व करवा रहा हूं, ध्यान रखना। सेट नंबर दूसरा, आठवें का आंसर क्या होगा? बिल्कुल सी लैंग्वेज की क्लास चलती है जी, यूनिक ग्रुप ऐप डाउनलोड करके देख लो, बिल्कुल सही आंसर है, आठवें का आंसर होगा ए, इसके अंदर नेम ऑफ द कंप्यूटर नहीं दिया रहता है। चलो आगे नौवां क्वेश्चन देखते हैं, नौवां क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द क्लाउड डिप्लॉयमेंट मोड, ध्यान रखना, निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड परिनियोजन मॉडल है? पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड या ऑल ऑफ एबव, क्या होगा जी जल्दी बताओ। हाँ जल्दी बताओ, कमेंट करो फटाफट सभी लोग, क्या होगा हमारा नौवें का आंसर? बिल्कुल सही आंसर है, डी होगा। कारण क्या है कि ये तीनों होता है, पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड, जब ये दोनों प्लस करते हैं तो ये क्रिएट होता है। चलो आगे, लिब्रे ऑफिस राइटर में कितने मेन्यू होते हैं? अरे वाह, राइटर में कितने मेन्यू होते हैं, 11, 13, 8 या 10? राइटर में कितने मेन्यू होते हैं जल्दी बताओ,
जल्दी सभी लोग कमेंट करो फटाफट, सभी लोग कमेंट करिए भाई। हाँ भाई, 10 नंबर का आंसर क्या होगा? बिल्कुल दस नंबर का आंसर क्या होने वाला है? बिल्कुल सही बात है, 10 नंबर का आंसर बी होने वाला है, यानी कि 13। ध्यान रखना इस चीज को। चलो 11th क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि इज इक्वल टू राउंड, ब्रैकेट में है 175.2, द वैल्यू ऑफ 200 का होगा, 100 का होगा, 0 होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। जल्दी बताओ क्या होगा आंसर 11 नंबर का, जल्दी कमेंट करो फटाफट सभी लोग, 11 नंबर का आंसर क्या होने वाला है? बिल्कुल सही आंसर है, 100 होगा, सीधी सी बात है भाई। ठीक है, ये क्या होगा आपका आंसर, इसका 100 होगा, कैलकुलेट करके देख लेना। निम्न में से किस निर्देशिका में कॉन्फ़िगरेशन फाइलें रहती हैं? स्लैश बीन स्लैश स्लैश राउट स्लैश स्लैश डेव स्लैश और स्लैश एटसेट्रा स्लैश, क्या होगा आंसर जल्दी बताओ, 12वें का आंसर क्या होगा? जल्दी कमेंट करो भाई फटाफट सभी लोग। और एक बार वीडियो को लाइक भी कर दो ताकि माहौल बना रहे। क्या होगा 12वें का आंसर क्या होगा? हाँ जल्दी कमेंट करो। बारहवे में कंफ्यूज हो आप लोग। हाँ जल्दी बताओ तब हम बताएंगे। देखो बी होगा आंसर, ध्यान रखना इस चीज को। चलो नेक्स्ट, ये कह रहा है आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आईपी एड्रेस का इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है, ए होगा, इसमें कोई बात नहीं है। 14वां क्वेश्चन देखते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट लिस्ट जोड़ने के लिए निम्न में से किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कीज यूज टू एड बुलेट लिस्ट इन द लिब्रे ऑफिस राइटर, क्या होगा जल्दी बताओ, जल्दी कमेंट करो सभी लोग आंसर। 14वें का आंसर क्या होगा? 14 का, अरे भैया बुलेट जोड़ने के लिए कह रहा है, यूज टू एड बुलेट लिस्ट इन द लिब्रे ऑफिस। शिफ्ट प्लस F12 होगा, प्रेम मस्ती जी सही बता रहे हैं, डी। चलो नेक्स्ट, वेब एड्रेस को किस रूप में भी कहा जाता है? भाई एकदम क्लियर है, यहां पे ULR तो होगा नहीं, UPR होगा नहीं, URI होगा नहीं, URL होगा, क्या होगा आंसर इसका? URL होगा, यानी कि डी होगा। ध्यान रखना, बहुत इजी क्वेश्चंस को टाइम नहीं देंगे, जो हार्ड क्वेश्चन उसमें हम लोग टाइम देंगे। SMTP यानी SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो इसका आंसर क्या होगा आपका? बी हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। आज समझ में आई? हाँ जी बिल्कुल, बी होगा 16वें का।
फटाफट सभी लोग कमेंट करते रहो, तभी मुझे पता चलेगा कि आपको आ रहा है कि नहीं। लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ओरिएंटेशन किस प्रकार होता है? प्रोटेंट, लैंडस्केप, स्लाइड, प्रोटेंट एंड लैंडस्केप। क्या होगा आंसर हमारा, जल्दी बताओ। इसका आंसर क्या होगा, प्रोटेंट एंड लैंडस्केप दोनों होगा, या प्रोटेंट होगा या लैंडस्केप होगा? हमारा आंसर 17 का क्या होगा, जल्दी कमेंट करो फटाफट सभी लोग। सेवनटीन का डी होगा, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। 18 क्या कह रहा है, लिब्रे ऑफिस में कैल्क में कुल कितने चार्ट होते हैं, 8, 12, 14 या 10? क्या होगा आंसर, जल्दी बताओ। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितने चार्ट होते हैं, 8, 12, 14 या 10? 18वें का आंसर क्या होगा, 18वें का आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ। हाँ, बिल्कुल सही आंसर है, 10 होगा, ध्यान रखना इस चीज को। क्या होगा आपका आंसर, 10 होगा। चलो 19, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में एक स्लाइड में अधिकतम कितने व्यू जोड़े जा सकते हैं, 4, 2, 10 या 6? क्या होगा आंसर 19वें का, जल्दी बताओ, कमेंट करो। 19वें का आंसर क्या होगा, 4, 2, 10, 6? पर सभी लोग कमेंट करेंगे जल्दी से। What is the maximum number of view can be added to a slide in the LibreOffice Impress? आज का है यस टू पेपर है नीलम यादव। हाँ जी, जल्दी जल्दी कमेंट करो। वैसे 19वें का होगा ए, यानी 4। नेक्स्ट 20, कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो भाई कौन सा इसमें से सर्च इंजन नहीं है, गूगल नहीं है, विकिपीडिया नहीं है, याहू नहीं है, या माइक्रोसॉफ्ट बिंग नहीं है, कौन सा नहीं है बताओ जल्दी। कौन सा सर्च इंजन नहीं है, गूगल नहीं होगा, विकिपीडिया नहीं होगा, याहू नहीं होगा, माइक्रोसॉफ्ट बिंग नहीं होगा, क्या होगा जल्दी बताओ। 20वें का आंसर क्या होने वाला है, बिल्कुल सही आंसर है, 20वें का आंसर होगा सी, कि भाई इसमें क्या है, विकिपीडिया नहीं होता है, एकदम कॉमन सी बात है। ठीक है, चलो RAM का पूर्ण रूप क्या है, RAM, RAM का फुल फॉर्म क्या होता है भाई, What is the full form of RAM, क्या होगा RAM का फुल फॉर्म क्या होगा, बिल्कुल सही बात है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि D। ठीक है, चलो नेक्स्ट, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल रूप क्या होता है, कर्नल होता है, टर्मिनल होता है, सेल होता है या कमांड होता है,
लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मूल रूप क्या होता है? जल्दी बताओ, 22वें का आंसर क्या होगा? कर्नल होता है भाई, कर्नल आप बहुत अच्छे से जानते हो। कीबोर्ड के माध्यम से किसी फाइल का नाम बदलने के लिए किस फंक्शन कुंजी का प्रयोग किया जाता है? F1, F2, F3, F4 क्या होगा आंसर? जल्दी बताओ क्या होगा। Which function key is used to change the name of any file through the keyboard? जल्दी बताओ। भैया F2 होता है, हर जगह F2 होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है लिब्रे ऑफिस इंप्रेस का फाइल एक्सटेंशन क्या है? ये तो इंप्रेस की बात कर रहा है, एक्सटेंशन क्या होता है? OTT, ODT, ODS या ODP क्या होगा आंसर हमारा? जल्दी बताओ 24वें का आंसर। 24वें का आंसर क्या होगा? चौबीसवें का आंसर क्या होगा भाई, जल्दी बताओ। बिल्कुल सही बात है, डी होगा आंसर, बिल्कुल सही आंसर है, ओडीपी डॉट ओडीपी होने वाला है। चलो जीमेल ईमेल के पते के लिए सही प्रारूप क्या है? पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा या चौथा होगा? जल्दी बताओ। ईमेल ईमेल पते के लिए सही प्रारूप चुने क्या होगा भाई, पहला, दूसरा, तीसरा? जल्दी बताओ तुम लोग कमेंट करके, बहुत आसान क्वेश्चन है। 25वें का आंसर क्या होने वाला है? बिल्कुल सही आंसर है, 25 का जो आंसर होगा वो ए होगा, यानी कि abc@gmail.com, क्योंकि इसमें सारी चीजें अवेलेबल है। क्लियर हुआ? अगला है लिब्रे ऑफिस में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स इन द लिब्रे ऑफिस? Ctrl+Shift+A, Ctrl+Shift+B, Ctrl+Shift+X या Ctrl+Shift+V क्या होगा आंसर? जल्दी कमेंट करो भाई फटाफट सभी लोग। हाँ, क्या होगा 26वें का आंसर? हाँ जी, Ctrl+Shift+X होगा क्या? टेस्ट स्पेशल की बात कर रहा है ये, Ctrl+Shift+V होगा क्या? होगा जी, जल्दी बताओ। सी होगा, बिल्कुल सही बात है, Ctrl+Shift+V होगा। कारण क्या है मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो इसका आंसर होने वाला है वो यही होगा, ठीक है। पूर्ण स्क्रीन के लिए लिब्रे ऑफिस की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? पूर्ण स्क्रीन के लिए लिब्रे ऑफिस की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है जी? फुल स्क्रीन करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं? ट्वेंटी नंबर क्या होगा? मैं इलाहाबाद से पढ़ाता हूं भाई।
ठीक है। 27वें का आंसर क्या बता रहे हैं? ए बिल्कुल सही बात है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस जे होगा। क्या होगा? कंट्रोल शिफ्ट प्लस जे होगा। चलो अगला है, AIPS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो AIPS का एकदम कॉमन सी बात है, आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम सीधा क्वेश्चन है भाई। ब्लॉग क्या है? सही विकल्प चुने, ब्लॉग की बात कर रहा है। केवल एक वेब पेज होता है, इट्स वेब पेज ओनली, इट कैन बी वेबसाइट और वेब पेजेस, इज कंप्लीट वेबसाइट, नन ऑफ द मेंशन्ड। क्या होगा आंसर? जल्दी बताओ क्या होगा? ब्लॉग क्या होता है? 29 नंबर। एक वेबसाइट या वेब पेज हो सकता है। हाँ, राजापुर में वेरी ब्रांच है, विष्णु विनोद जी, हनुमान मंदिर के एकांकी कुंज के बगल में। हाँ, 29 का आंसर क्या होगा? देखो भैया, 29 का आंसर जो होने वाला है बी होगा, जो दोनों होता है। वैसे तो डिजिटल डायरी के नाम से जानते हैं इसको, डिजिटल डायरी के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, लेकिन इसको हम लोग बी भी कह सकते हैं। चलो, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेम्पलेट को मैनेज करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? टेम्पलेट को मैनेज करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ, या कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ? आंसर हमारा क्या होगा? 30 नंबर का आंसर क्या होगा? जल्दी बताओ। बिल्कुल सही आंसर है, 30 नंबर का आंसर बी होगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन। बात समझ में आई? ये हमारा होता है आंसर। ठीक है, चलो आगे। नेक्स्ट है, लाइनेक्स ऑपरेट, विच कमांड इज यूज्ड इन द रिमूविंग फाइल इन द लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम? डिलीट से रिमूव करेंगे, या आरएम से, डीएम से, या इरेज से? जल्दी बताओ, किस कमांड से हम लोग फाइल को इरेज करते हैं? हाँ, जल्दी बताओ। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है, ए होगा, डिलीट ऑप्शन ही यूज होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आईएसपी क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, कॉमन सा क्वेश्चन है, इसको सब लोग जानते हैं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी जो 32 का आंसर होगा वो ए होगा। बात समझ में आई? इलाहाबाद में पढ़ाते हैं भाई, इलाहाबाद, राजापुर, सलोरी, सिविल लाइंस, कटरा और सवतिया बाग, 5 ब्रांच है। हाँ, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी बताओ। सही इंस्टेंट मैसेजिंग चुने, इंस्टेंट मैसेजिंग की बात कर रहा है, तो कौन सा होगा? ट्विटर, लिंक्डइन, टेलीग्राम या इंस्टाग्राम, कौन सा होगा? 33 का आंसर क्या होने वाला है? जल्दी बताओ, 33 का आंसर क्या होने वाला है? हाँ जी, जल्दी कमेंट करो फटाफट सभी लोग, 33 का आंसर क्या होगा? फटाफट सभी लोग कमेंट करेंगे, 33 का आंसर सी होगा, टेलीग्राम। बहुत अच्छी बात है। चलो,
बिल्कुल सही बात है, टेलीग्राम होता है, व्हाट्सएप होता है और मैसेंजर होता है, तीन होते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में निम्न में से कौन सा डिफॉल्ट फॉन्ट आकार है, डिफॉल्ट का कौन सा फॉन्ट साइज होता है लिब्रे ऑफिस राइटर के अंदर, 8, 10, 14, 12, 34 नंबर का क्या आंसर होगा? चौतीस नंबर का आंसर क्या बता रहे हो भाई, जल्दी कमेंट करो। बिल्कुल सही बात है, सी होगा यानी 14 नंबर। हाँ भाई जल्दी जल्दी देखो, आप लोग कमेंट करोगे तो फिर मैं अपना एक्सप्लेनेशन करूंगा ताकि आप लोगों का व्यू भी जानता रहूं। यूआरएल का फुल पूर्ण रूप क्या होता है, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है, 36 नंबर, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ 36 नंबर का आंसर क्या होगा, जल्दी कमेंट करो फटाफट सभी लोग। 36 का आंसर क्या होगा, यूआरएल का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्सेस लोकेटर, यानी 36 का बी। बात समझ में आई, 36 का बी होगा, बिल्कुल सही आंसर है, चलो अच्छी बात है। कंप्यूटर नेटवर्क के सही प्रकार का चयन करें, कंप्यूटर नेटवर्क के सही प्रकार का चयन करें, करेक्ट कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है। आप लोग क्वेश्चन में लैन मैन वैन तीनों है, तो यानी जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, 37 का आंसर क्या होगा जी, डी होगा, बिल्कुल सही बात है दीपक कुमार, चलो अच्छी बात है, 37 का डी हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस इनमें से किस प्लेटफॉर्म पर काम कर सकता है, विंडोज लाइनेक्स मैक्स या ऑल ऑफ अबव। भाई लिब्रे ऑफिस की बात कर रहा है, लिब्रे ऑफिस किस प्लेटफॉर्म पे काम करता है, चारों में से कौन सा होगा, विंडोज लाइनेक्स मैक्स या ऑल ऑफ अबव। 38 नंबर, बिल्कुल सही आंसर है डी होगा, सब पे काम करता है भाई, सब पे काम करता है, बिल्कुल सही बात है। चलो, आमतौर पर ईमेल हस्ताक्षर किस जगह दिखाई देता है, ईमेल जो सिग्नेचर होती है, यूजुअली सिग्नेचर अपीयर्स इन विच प्लेस ईमेल, एट द एंड, इन द मिडल, इन द बिगिनिंग या नन ऑफ अबव, कहां पे दिखाई देता है, जल्दी कमेंट करो भाई फटाफट सभी लोग। 39 का आंसर क्या होगा, कमेंट करो जल्दी से फटाफट सभी लोग कमेंट करेंगे। जल्दी कमेंट करिए सभी लोग भाई, 39 का आंसर क्या होगा, हाँ जी बिल्कुल सही आंसर है डी होगा। चलो चलो 40 नंबर, लिब्रे ऑफिस राइटर्स और फॉर्मेटिंग के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग इन द लिब्रे ऑफिस, F11, F6, F12 या F9, क्या होगा आंसर, जल्दी कमेंट करो भाई फटाफट सभी लोग। क्या होगा 40 नंबर का आंसर, Thank you.
बिल्कुल सही आंसर है भाई, 40 का ए होगा, F11 होता है। ठीक है, चलो। ईमेल इज नॉट अ सेंडर सेंड बॉक्स नॉर इन द इन बॉक्स आर रिसीवर, देन वेयर इट विल बी, चूज द करेक्ट ऑप्शन। भाई जो भेजा जाता है, हिंदी में इसको पढ़ लो एक बार, ये लिखा हुआ है कि ईमेल भेजने वाली सेंड बॉक्स में नहीं है और ना ही रिसीवर में, इन बॉक्स में है, तो वो कहाँ जाता है? तो वो ड्राफ्ट में जाएगा, सेंड में जाएगा, आउट बॉक्स में जाएगा, या फिर आपका एक लास्ट में नॉन ऑफ एबव है, किस में जाएगा? जल्दी कमेंट करो भाई फटाफट सभी लोग। किस में जाएगा ये आंसर? 41, बिल्कुल सही बात है, आउट बॉक्स में जाता है। मैसेज सेंड किया जाता है अगर नहीं पहुंचता है तो वो आउट बॉक्स में सेव हो जाता है, ध्यान रखना, यानी सी होगा। ब्लॉकचेन क्या होता है भाई, जल्दी बताओ, ब्लॉकचेन क्या होता है? अ टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी होता है, और डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर ऑन पीयर टू पीयर नेटवर्क होता है, सेंट्रलाइज लेजर होता है, या करेंसी होता है। 42 नंबर का आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ। बिल्कुल सही आंसर है, इन क्रिप्टो करेंसी होता है भाई, यानी कि इसका आंसर जो होगा वो आपका ए होने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं, आप एक स्लाइड में अधिकतम कितने दृश्य जोड़ सकते हैं? 3, 2, 5 या 10, जल्दी बताओ। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ व्यूज यू कैन ऐड इन द स्लाइड, क्या होगा? जल्दी कमेंट करो भाई। तिरालीस नंबर का आंसर क्या होगा, देखो भाई 10 होता है, और वैसे तो इसका जो कहानी है 43 नंबर का वो होता है 100 MB का, मैक्सिमम जो साइज इसकी होती है 100 MB तक आप ऐड कर सकते हो, लेकिन 10 हम मान लेते हैं। ठीक है, चलो, इसकी कहानी क्या कह रहा है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषता क्या होती है, जल्दी देखो। इट इज अ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज अ हाईली सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, या ऑल ऑफ एबव, क्या होगा? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषता क्या होती है, जल्दी कमेंट करो। ऑल ऑफ एबव होगा क्या? 44 नंबर, बिल्कुल सही आंसर है भाई, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हो, अंकित जी दे रहे हैं, और भी बहुत सारे लोग दे रहे हैं आंसर, एकदम बढ़िया बढ़िया आंसर दे रहे हैं भाई। हाँ बिल्कुल सही आंसर होगा, आंसर होगा डी, आयुष सिंह। ठीक है, ओके, चलो, ये डिजी लॉकर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? डिजी लॉकर आप बहुत अच्छे से जानते हो, यह डिजी लॉकर प्रोग्राम के तहत सरकार द्वारा प्रस्तावित एक डिजिटल लॉकर सिस्टम है, यह आपको अपने ई दस्तावेज तक पहुंचाने की अनुमति देता है, चाहे आप किसी भी स्थान पर हो। तो केवल एक नंबर, केवल दो नंबर, या एक और दोनों नंबर, ना तो एक ना तो दो, जल्दी बताओ क्या होगा आंसर। 45, बिल्कुल सही आंसर है, इसका आंसर होगा 45 का सी। कारण क्या है कि ये दोनों चीज करता है, पहला चीज तो आपको ये करता है कि वो सरकार द्वारा प्रस्तावित एक लॉकर सिस्टम है, और ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को पहुंचने की अनुमति भी प्रदान करता है, तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। चलो नेक्स्ट, विंडोज ओएस के लिए वेब पेज को प्रिंट करने के लिए किस के शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, जल्दी बताओ क्या होगा आंसर हमारा। कमांड प्लस पी, कंट्रोल प्लस पी, कैप प्लस पी, या उपरोक्त में से कोई नहीं, क्या होगा आंसर हमारा? 46वें का आंसर क्या होगा,
जल्दी बताओ, 46वें का आंसर क्या बता रहे हो आप? आप लोग कोई भी आंसर ऐसे लिखिए तब समझ में आएगा, 46वें का बी ऐसे लिखो या 46 स्पेस बी कर दो तब भी समझ में आएगा। ऐसे नहीं समझ में आ रहा कि आप किसका आंसर दे रहे हो। बिल्कुल सही आंसर है, 46वें का बी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। लिब्रे ऑफिस में हेडर शामिल करने का सही विकल्प कौन सा है? Which is the correct option to insert header in the LibreOffice? Format header, view header, edit header या insert header? बहुत सुंदर क्वेश्चन है, 47 नंबर। दीपक जी बता रहे हैं डी। बिल्कुल सही बात है, insert header होगा क्योंकि हमें header लगाना होता है, ध्यान रखना। चलो आगे देखते हैं। स्पेलिंग चेक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फंक्शन कुंजी का प्रयोग किया जाता है? भाई किसी स्पेलिंग को अगर हमें चेक करना हो तो कौन सी फंक्शन कुंजी का प्रयोग हम लोग करते हैं? 48 नंबर का आंसर बताओ। बिल्कुल सही आंसर है, सी होगा। चलो आगे, प्रेजेंटेशन की पहली स्लाइड को आप किस नाम से जानते हैं? बहुत सुंदर क्वेश्चन। होम स्लाइड, मेन स्लाइड, टाइटल स्लाइड या नन ऑफ अबव? जब हम कोई स्लाइड बनाते हैं तो सबसे पहली स्लाइड कौन सी मान के चलते हैं? 49 नंबर का आंसर बताओ। बिल्कुल सही आंसर है, सी होगा, यानी मेन स्लाइड, सॉरी टाइटल स्लाइड। नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्तनी जांच के लिए फंक्शन कुंजी का प्रयोग किया जाता है, किस फंक्शन कुंजी का प्रयोग? कंट्रोल प्लस F7, कंट्रोल प्लस F2, F7 या F2? जल्दी बताओ, बहुत सुंदर क्वेश्चन दिया हुआ है। द फंक्शन, विच फंक्शन की इज यूज टू स्पेलिंग चेक इन द लिब्रे ऑफिस? 50 नंबर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर सी होगा, F7। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये बताओ, हेडिंग वन का उपयोग करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? ये जो हेडिंग वन है इसका प्रयोग करने के लिए कंट्रोल प्लस 4 डालते हैं, कंट्रोल प्लस 2 डालते हैं, कंट्रोल प्लस 3 या कंट्रोल प्लस 1? 51 नंबर, जल्दी बताओ। बिल्कुल सही बात है, हम लोग कंट्रोल प्लस डी यानी कि आपका 4th नंबर यूज करते हैं भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? व्हाट इज द शॉर्टकट की इन लिब्रे ऑफिस इंप्रेस फॉर द पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट? कंट्रोल शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस वी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी, कंट्रोल वी या नन ऑफ दिस? 52, जल्दी बताओ। बिल्कुल सही आंसर है भाई, 52 का आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, बी होगा, यानी कि आपका हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? लो क्वेश्चन वही घुमा दिया गया, हद है भाई, लिमिट क्रॉस कर दिया है क्वेश्चन, फालतू क्वेश्चंस का। वैसे एक बात मैं आपको बता दूं, ये बड़ा मतलब पेपर एकदम ऐसा बनाया गया है कि जिसका कोई कल्पना नहीं कर सकता था, चूंकि ये लिब्रे ऑफिस जो है वो आपका इतना क्वेश्चन नहीं अलाउड करता है, लगभग 60-65 क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस से दे रखा है। ये नाइलेट की थोड़ी सी गलती है, क्योंकि ना कोई प्री इंफॉर्मेशन था बच्चों के लिए और ना ही
लिखा था कि लिब्रे ऑफिस से ही क्वेश्चंस आएंगे, उसने स्प्रेडशीट बोला था, उसमें वर्ड प्रोसेसिंग बोला था, तो इस वजह से बच्चों को एमएस एक्सेल, एमएस सॉरी कैल्क और एक्सेल दोनों पढ़ाया गया, राइटर और एमएस वर्ड दोनों पढ़ाया गया, इम्प्रेस और पावर पॉइंट दोनों पढ़ाया गया। तो बच्चों के लिए थोड़ी सी दुविधा है, ये बात समझ में, ये समस्या थोड़ी सी नाइलेट ने क्रिएट करा है, जो गलत करा है, ठीक है, इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। पेपर बहुत अच्छा बनाया, बहुत सुंदर बनाया गया है, लेकिन लिब्रे ऑफिस का क्वेश्चन बहुत ज्यादा डाल दिया गया है, 60% ज्यादा लिब्रे ऑफिस क्वेश्चंस हैं। इस वजह से आप लोगों को क्लासेस करना एकदम कंपलसरी है, ध्यान रखना इस चीज को। ये थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है नाइलेट की तरफ से, ऐसा होना नहीं चाहिए था। चलो 54 नंबर देखते हैं हम लोग। लिब्रे ऑफिस में एंटी अलियासिंग सेटिंग को बदलने के बाद वर्तमान दस्तावेज के व्यू को पुनर्स्थापित या रेफरेंसिंग करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस आर, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एक्स, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एस या शिफ्ट प्लस आर, क्या होगा? बहुत सुंदर क्वेश्चन है। जल्दी बताओ, फिफ्टी फोर का आंसर क्या होगा? फिफ्टी फोर का आंसर क्या होगा भाई? शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस आर, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एक्स, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एस या शिफ्ट प्लस आर, क्या होगा आंसर? फटाफट सभी लोग कमेंट करेंगे। बिल्कुल सही आंसर ए होगा। त्रिपन का पूछ रहे ना, त्रिपन का डी होगा भाई। ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग, हाँ ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग की बात कर रहा है, तुरंत धन ट्रांसफर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? इनइमीडिएटली ट्रांसफर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? आरटीजीएस का करते हैं, यूपीआई, नेफ्ट या आईएमपीएस, ये ध्यान रखना। ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग की बात कर रहा है ये। 55 भाई, ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग विच पेमेंट मेथड इज यूज्ड टू इमीडिएटली ट्रांसफर, बताओ। अगर ये इंटरनेट बैंकिंग की जगह ट्रांजेक्शन की बात करता तो ये बी बता सकते थे आप, लेकिन ये नहीं होगा, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम हो जाएगा, आईएमपीएस। बात समझ में आई? हाँ, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन घुमाया गया है बच्चों को गुमराह करने के लिए, लेकिन बच्चे बहुत मेहनती हैं इसलिए गुमराह नहीं हुए। क्यूआर कोड का अर्थ क्या है? क्विक रिस्पांस कोड, ठीक है, ये सबको पता है, क्विक रिस्पांस कोड होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है यह। लिब्रे ऑफिस में फॉर्मेट सेल में, फॉर्मेट सेल के डायलॉग को खोलने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? विच की इज यूज टू ओपन द फॉर्मेट सेल डायलॉग इन द लिब्रे ऑफिस, क्या होगा भाई? कंट्रोल प्लस एल, शिफ्ट प्लस एल, कंट्रोल प्लस टी या कंट्रोल प्लस वन? 57 नंबर, जल्दी बताओ। कंट्रोल शिफ्ट प्लस वन या कंट्रोल प्लस वन, दो में से एक, जल्दी बताओ। हाँ जल्दी कमेंट करो। क्या होगा आंसर? कंट्रोल शिफ्ट प्लस वन होगा या कंट्रोल प्लस वन होगा,
बी होगा या डी होगा? जल्दी आप लोग भी कमेंट करिए भाई। बी होगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस वन। चलो, ओटीपी सुरक्षित है क्योंकि, ओटीपी सुरक्षित क्यों है? इट इज डिफरेंट फॉर एवरी एक्सेस, इट कैन नॉट बी शेयर्ड, इट इज इजिली टू जनरेटेड, या नन ऑफ एबव, क्या होगा? जल्दी बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन है। फटाफट कमेंट करो जल्दी से। फिफ्टी एट, बिल्कुल सही बात है, यह प्रत्येक एक्सेस के लिए अलग होता है। वैसे देखा जाए तो आंसर सारे के सारे सही हैं। इसको शेयर भी नहीं किया जा सकता, उत्पन्न करना आसान होता है, इनमें से कोई नहीं, तो तीनों आंसर सही हो सकता है, लेकिन यह पहला सबसे सही दिख रहा है कि यह प्रत्येक एक्सेस के लिए अलग होता है। बात समझ में आई? चलो, यदि किसी कंप्यूटर में क्या नहीं हो तो बूट नहीं कर सकता, कंपाइलर या लोडर या ऑपरेटिंग सिस्टम या असेंबलर। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में क्या नहीं हो तो बूट नहीं कर सकता। 59 नंबर, 59 बताओ, सेट अलग है ना दिव्या, इसलिए अलग क्वेश्चंस पे नंबर मिलेंगे आपको। जिसका जिसका सेट अलग है, ये S2 चल रहा है। उनसठ का क्या होगा? देखो भाई, 59 में कंपाइलर, लोडर या असेंबलर दिया हुआ है, या ऑपरेटिंग सिस्टम, तो डी होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ, और बहुत लोग असेंबलर भी कह रहे हैं। चलो, प्रेजेंटेशन में स्लाइड पर समय निर्धारित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रिहर्सल का, स्लाइड टाइमिंग टूल्स का, स्लाइड टाइमर का, या स्लाइड टूल का? 60 नंबर, जल्दी बताओ। भाई स्लाइड टाइम, देखो टाइम बनाने के लिए किस स्लाइड का यूज करते हैं? विच इज यूज टू डिटरमाइन द टाइमिंग ऑन अ स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन, रिहर्सल, स्लाइड टाइमर, स्लाइड टाइमिंग टूल्स, या स्लाइड टूल्स? क्या होगा भाई? जल्दी बताओ, कमेंट करो फटाफट यार। ये ओ लेवल की क्लास है। साठ नंबर का डी होगा, जल्दी बताओ। लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज किस मेनू में पाया जाता है? फाइल में, इंसर्ट में, टूल्स में, या व्यूज में? मेल मर्ज किस ऑप्शन में पाया जाता है? जल्दी बताओ।
फाइल में नहीं पाया जाता है। इंसर्ट में बताओ, टूल्स में बताओ, व्यूज में बताओ। चलो तीन ऑप्शन। चलो भाई टूल्स। लिब्रे ऑफिस राइटर में तालिका शामिल करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर इंसर्टिंग टेबल इन द लिब्रे ऑफिस राइटर? बताओ क्या होगा आंसर। हाँ पेपर सॉल्व कराने में बहुत समय लग रहा है, इस वजह से आप लोगों को समझा नहीं रहा हूं। मैं तो एक एक क्वेश्चन को बढ़िया समझाता मैं। सिक्सटी टू का आंसर क्या होगा? लिब्रे ऑफिस सबको मिलता है और बहुत पुरानी चीज है लिब्रे ऑफिस। 62 का आंसर क्या होगा? F12 होगा, यानी कि डी। चलो ब्रॉडबैंड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ब्रॉडबैंड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? वायरलेस डेटा अंतरण के लिए, वास्तविक इंटरनेट कनेक्शन जिसको आप मॉडम राउटर डेटा भेजने के लिए प्राप्त करने के लिए प्रयोग करते हैं, इंटरनेट संचार के लिए प्रयोग किया जाता है, केवल ध्वनि संचार के लिए उपयोग किया जाता है। 63 नंबर, 63। जल्दी बताओ। ब्रॉडबैंड किसके लिए प्रयोग किया जाता है? वायरलेस डेटा ट्रांसफर करने के लिए, द एक्चुअल इंटरनेट कनेक्शन दैट योर मॉडर्न राउटर यूज टू सेंड द रिसीवर डेटा, इट इज यूज टू इंट्रानेट कम्युनिकेशन। भाई इसका आंसर बी होगा। क्या होगा? बी होगा, द एक्चुअल इंटरनेट कनेक्शन दैट यू योर मॉडर्न राउटर यूज टू सेंड द रिसीवर डेटा। बिल्कुल सही आंसर है। चलो निम्नलिखित में से कौन सा एक्सटेंशन लिब्रे ऑफिस से संबंधित नहीं है? बहुत इजी क्वेश्चन है। ODT, ODS, ODP या RTF? जल्दी बताओ कौन सा इसमें से लिब्रे ऑफिस से संबंधित नहीं है। ODT, ODS, ODP या RTF? बिल्कुल सही बात है, ए होगा। आगे, एक प्रकार की वीआर, अ टाइप ऑफ वीआर एनवायरनमेंट इन विच सब्जेक्ट आर विजुअली आइसोलेटेड फ्रॉम द रियल एनवायरनमेंट। हिंदी में क्या कह रहा है? एक प्रकार का वीआर वातावरण जिसमें विषयों के वास्तविक परिवेश में दृष्टिगत रूप से पृथक किया जाता है। ये इमर्सिव हो जाएगा, सेमी इमर्सिव हो जाएगा, नॉन इमर्सिव हो जाएगा या आर्गुमेंटेड हो जाएगा। 65 नंबर। हम
जल्दी बताओ, कमेंट करो फटाफट सभी लोग। कंप्यूटर का सीपीयू कितने घटकों में बना होता है? द सीपीयू ऑफ कंप्यूटर इज मेड ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स, कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन, रोम एंड मेन मेमोरी, हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपी डिस्क। 66 नंबर, जल्दी बताओ। CU and ALU, हाँ बिल्कुल, CU and ALU, यानी A, ये क्या कह रहा है, लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट से सबस्क्रिप्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इन लिब्रे ऑफिस राइटर इन विच की इज यूज टू सबस्क्रिप्ट द टेक्स्ट, कंट्रोल शिफ्ट प्लस F5, कंट्रोल शिफ्ट प्लस V, कंट्रोल शिफ्ट प्लस F1 या कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी, क्या होगा? सेवन का आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करो फटाफट सभी लोग। बिल्कुल सही आंसर है, 67 का सी होगा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी। हाँ ये क्या कह रहा है अगला, नेक्स्ट, मैन इज नोन एज मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, कॉमन सा आंसर है। कौन सी एक डिजिटल भुगतान अंतरण की विधि नहीं है, विच वन इज नॉट मेथड ऑफ डिजिटल पेमेंट मेथड। देखो यहाँ पे UPI तो होता ही है, RTGS भी होता है, IMPS भी होता है, ये NEFT होता है जिसको हम लोग कहते हैं नेफ्ट, ये स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। 69, ठीक है, हाँ 65 क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, ठीक है 65 बता रहा हूँ भाई, ठीक है वेट करो बताता हूं फिर से, अभी थोड़ा इसको देखते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक फंक्शन से किससे शुरू होता है, कैल्क की बात कर रहा है एक्सेल की, अल्फाबेट इज इक्वल टू नंबर या परसेंटेज, 70 क्या होगा? जल्दी बताओ क्या होगा आंसर, बिल्कुल सही बात है भाई, इज इक्वल टू का प्रयोग करेंगे हम लोग। चलो आगे, लिब्रे ऑफिस राइटर में सही प्रकार के पेज ओरिएंटेशन का चयन करें, सेलेक्ट द करेक्ट टाइप ऑफ पेज ओरिएंटेशन इन लिब्रे ऑफिस राइटर, प्रोटेंट, लैंडस्केप, स्लाइड या बोथ प्रोटेंट एंड लैंडस्केप। 71 का आंसर क्या होगा, सेलेक्ट
71 का आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही बात है, प्रोटेंट और लैंडस्केप दोनों होता है। हाँ बिल्कुल सही आंसर है। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ लिब्रे ऑफिस सूट? कौन सा इसमें से लिब्रे ऑफिस सूट का विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नहीं है? बेस, राइटर, इम्प्लेस या एक्सप्लोरर? क्या होगा आंसर? 72 का आंसर क्या होगा? बेस, राइटर, इम्प्लेस, एक्सप्लोरर? बिल्कुल सही बात है, बेस होगा। इसमें कह रहा अगला क्वेश्चन कि कौन सा एक प्रकार का कर्नल नहीं है? मोनोलिथिक कर्नल, हाइब्रिड कर्नल, माइक्रो कर्नल या स्कॉट कर्नल? 73 नंबर क्या होगा? बी होगा, हाइब्रिड कर्नल। ध्यान रखना इस चीज को। लिब्रे ऑफिस राइटर में किस मेनू में एक इटैलिक और बोल्ड कमांड पाए जाते हैं? फॉर्मेट में, व्यू में, टूल्स में या इंसर्ट में? बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चंस तो आपको ऐसे ही कर देना चाहिए। हाँ भाई, हाँ बिल्कुल भाई सही बात है, बी होगा। ठीक है, अभी भी कुछ क्वेश्चंस और हैं, देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी एक शून्य विभाजन एरर है? जल्दी बताओ। जल्दी बताओ भाई, कमेंट करो फटाफट सभी लोग।